नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब बड़ी आपदाओं ने ह्यूमन बिहेवियर को हमेशा के लिए बदल दिया है। चूहों से फैलने वाली बीमारी प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है, ने 14th century में यूरोप का इतिहास बदल कर रख दिया था। इसके कारण करोड़ों लोग मर गए, और जब बीमारी ख़त्म हुई तो लेबर शॉर्टेज के कारण जो बचे हुए मजदूर थे उन्होंने अपनी कीमती इतनी बढ़ा दी थी कि जो बाद में कम करने की कोशिशों के बावजूद कम नहीं हुई। इसी तरह World War II के बाद वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ गई, जिसका बढ़ना अब भी जारी है। और अमेरिका पर हुआ 9/11 का अटैक तो आपको याद ही होगा। इसके कारण दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर लोगों का नज़रिया हमेशा के लिए बदल गया। साथ ही एयर ट्रेवल और उससे जुड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी हमेशा के लिए बदल दिए गए। और अब कोरोना वायरस के कारण एक बार फिर दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है, और साथ ही बदलने वाला है हमारा बिजनेस करने का तरीका। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से अजमेरा फैशन के साथ जुड़कर साड़ियों का व्यापार करने वाले उन भाइयों बहनों को इस बदलते माहौल में बिजनेस करने के कुछ आइडियाज़ देना चाहता हूं, जो छोटी दुकानों, शोरूम्स या होलसेलर या रिटेलर सभी के काम आने वाले हैं। इनफैक्ट ये बातें हर तरह के बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और जहां तक हो सके इन बातों को अपने व्यवसाय में लागू करने का प्रयास करें। नंबर एक, केस इज पावर। आई एम श्योर आज करोड़ों ऐसे व्यापारी होंगे जो सोच रहे होंगे कि काश हमने मनी मैनेजमेंट सही से किया होता और ऐसी क्राइसिस सिचुएशन के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे होते। पर कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई। वो कहते हैं ना कि भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन मैं इसके उल्टे बोलता हूँ। ज़रूर पछताना चाहिए, क्योंकि नहीं पछताओगी तो फिर अगली बार चिड़िया खेत चुग जाएगी। तो अपने को वैसा नहीं करना है, पछताना है और ऐसे उपाय करने हैं कि दोबारा चिड़िया खेत ना चुग सके। इसलिए अब से इस बात का ख्याल रखिए कि आप जब भी कोई खर्च करें तो सोच समझ कर करें। सोचें कि क्या मैं इन पैसों का इस्तेमाल और अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, क्या मैं यही माल और कहीं से कम खर्च में उठा सकता हूँ, क्या मुझे सचमुच इतने स्टाफ की ज़रूरत है या इससे कम में भी मैं अच्छी सेवाएं दे सकता हूं। दोस्तों, इस बात को समझिए कि आपके सभी डिसीजन बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने की दिशा में होने चाहिए। हो सकता है ऐसा करने में कुछ लोगों को कष्ट पहुंचे, पर अल्टीमेटली आपका बिजनेस इन सब चीज़ों से बढ़कर है, और इसे प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको कठोर निर्णय लेने से भी हिचकना नहीं चाहिए। इसके अलावा पुरानी गलतियों से सीखते हुए आप हर रोज़ अपनी कमाई का एक हिस्सा सेव करें और इसे बिजनेस एक्सपेंसेस के लिए टच ना करें। याद रखिए कि यह बहुत बड़ी ताकत है और ये आपके पास होनी ही चाहिए। नंबर दो, एम्प्लॉइज़ का भरोसा जीतें। लॉकडाउन के कारण कई दिनों से दुकानें बंद है, या कई शहरों में हाल ही में दुकानें खुलना शुरू हुई है, वो भी विथ रिस्ट्रिक्शंस। इस क्राइसिस सिचुएशन में आपके एम्प्लॉइज़ के मन में ये बात आना स्वाभाविक है कि दुकान कब खुलेगी, खुलेगी तो उन्हें नौकरी पर कब रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, सैलरी कम तो नहीं कर दी जाएगी, ये सब चीज़ें उनके मन में आना स्वाभाविक है। एज ए गुड बिजनेस ओनर आपको अपने एम्प्लॉइज़ से रेगुलर टच में रहना चाहिए, ख़ासतौर से ऐसे एम्प्लॉइज़ से जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी मायने रखते हैं, और आपके काम को लेकर उनके मन में रही घबराहट को दूर करना चाहिए। यदि आप एम्प्लॉइज़ की छटनी करने का, सैलरी कट करने का या कोई और भी टफ डिसीजन लेने वाले हैं, तो बेहतर होगा कि सीधे अपना निर्णय सुनाने की जगह आप लोगों से डिस्कशन करके अपनी बात रखें। ज़्यादा चांसेस है कि लोग आपकी बात समझेंगे। इसके अलावा अपने की एम्प्लॉइज़ को भविष्य के बिजनेस के लिए तैयार करें। उन्हें कोरोना काल में कैसे कस्टमर से मिलना है, कैसे कस्टमर को ग्रीट करना है, कैसे साड़ियों या अन्य प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, इन सब की ट्रेनिंग दें। साथ ही उन्हें थोड़ा
टेक्स से भी बनाएं, वीडियो कॉल करना सिखाएं, व्हाट्सएप पर प्रोडक्ट भेजना, ग्राहक की क्वेरी सोल्व करना सिखाएं। ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज न सिर्फ और एफिशिएंस बनेंगे बल्कि उन्हें ये भी भरोसा मिलेगा कि उनकी नौकरी सुरक्षित है। नंबर 3, कस्टमर से संपर्क बनाएं, चाहे आपकी दुकान खुली हो या बंद। इस संकट के समय में आपके द्वारा की गई एक कॉल आपके कस्टमर का दिल जीत लेती है। ऑब्वियसली संपर्क बनाने के लिए आपके पास ग्राहक का नंबर भी होना चाहिए, जिसके बारे में आगे अलग से बात करूंगा। फिलहाल इस बात को समझिए कि बदलते हुए दौर में बहुत से लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट हो रहे हैं। यदि हम उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन्स हमारी उम्मीद से कहीं तेज हो सकता है। इसलिए हर एक कस्टमर के महत्व को समझें, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें कि वो आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाए। नंबर 4, बदलाव के साथ बदलें। कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है। इस बार तो खुद प्रकृति हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लेकर आई है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया बदल चुकी है और अगर हमें बिजनेस में बने रहना है तो हमें भी बदलना होगा। यहाँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सजेस्ट कर रहा हूँ जिन्हें हम अजमेरा फैशन में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मे बी आप ये सारी चीज़ें ना कर पाएँ, पर जितनी हो सके उतनी अपने यहाँ भी इम्प्लीमेंट करें। हर रोज़ दुकान को सैनिटाइज करें, एंट्रेंस पर टेम्परेचर लेने वाली गन का प्रयोग करें और केवल उन्हें ही अंदर आने दें जिनका टेम्परेचर नॉर्मल हो। एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें और बिना इसका प्रयोग किए एंट्री अलाउ ना करें। अपने प्रिमाइसिस में मास्क मैंडेटरी कर दें, बिना मास्क लगाएं कोई भी दुकान में प्रवेश ना करें। स्टाफ के लिए आप ग्लव्स भी उपलब्ध करा सकते हैं। दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराने के लिए एक साथ एक तय सीमा तक ही कस्टमर्स को अंदर प्रवेश करने दें। आप बाहर इंतजार करने के लिए कुर्सियां रख सकते हैं, वो भी उचित दूरी पर। दुकान के की स्पॉट पर प्लीज़ फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग या 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी जैसे स्लोगन्स लगाए जा सकते हैं। जहाँ तक संभव हो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स का प्रयोग करें। चाय, कॉफ़ी, पानी, ये सब चीज़ें डिस्पोजल कप्स में ही दें। और अंत में जब ग्राहक दुकान से बाहर निकले तो एक बार पुनः उसका हैंड सैनिटाइज करें। नंबर 5, कॉन्टैक्ट फ्री डिलीवरी। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे हम कॉन्टैक्ट फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि कस्टमर और अपनी खैरियत के लिए हम कॉन्टैक्ट फ्री डिलीवरी करें, यानी हम ग्राहकों को सामान बिना उसके नज़दीक जाएं दें। ये करना आसान है, पर पुरानी आदत के चलते हम सामान हाथ में पकड़ाने को तत्पर हो सकते हैं। ऐसे में संभव हो तो एक कैश काउंटर के आसपास ही एक ऐसा एरिया मार्क कर दें जहां प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए रखा जाए और कस्टमर वहीं से अपना प्रोडक्ट उठा लें। वैल्यू एडेड सर्विस के तौर पर हम डिलीवरी पैकेट को डिसइंफेक्ट भी कर सकते हैं। नंबर 6, जितने अधिक नंबर होंगे उतना अधिक बिजनेस होगा। अजमेरा फैशन में हम मोबाइल नंबर की इम्पोर्टेंस को हमेशा से समझते आए हैं। हम कई सालों से ग्राहकों के नंबर्स का डाटाबेस मेंटेन कर रहे हैं और समय समय पर उनसे कांटेक्ट भी करते रहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा है कि बहुत से दुकानदार कस्टमर्स का नंबर नहीं मेंटेन करते। खैर कोई बात नहीं, अब से ऐसा करना शुरू करिए और नंबर ही नहीं उनकी बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी की जानकारी भी स्टोर करिए। इस बदले हुए माहौल में ये जानकारियाँ कस्टमर से टच में आने और उन्हें अपना लॉयल कस्टमर बनाने में काफ़ी सहायक हो सकती हैं। नंबर 7, थिंक आउटसाइड द शॉप, यानी दुकान के बाहर सोचें। कोरोना वायरस के कारण अब कंज्यूमर बिहेवियर में काफ़ी बदलाव आ सकता है। वायरस ख़त्म होने के बाद भी लोग भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना चाहेंगे। ऐसे में संभव है कि दुकान के अंदर बैठकर माल बेचने का पुराना तरीका अब पहले जैसे रिजल्ट ना दे पाए। इसलिए हमें बिजनेस के नए तरीकों को अपनाना होगा। नए तरीके क्या हो सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें जिनके माध्यम से ग्राहक दुकान आए
या ना आए, हम उस तक पहुंच जाएं। जैसे हम ग्राहकों को एक ऐसा नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं जिस पर वह कभी भी कॉल कर पूछताछ कर सके। हम अपने कस्टमर्स को क्वेरी करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर अलग से दे सकते हैं। हम ग्राहक से समय लेकर उसे वीडियो कॉल के माध्यम से साड़ियों का कलेक्शन दिखा सकते हैं। इसके लिए हम व्हाट्सएप वीडियो कॉल, जूम ऐप या गूगल मीट, ये सब सेवाएं काफ़ी अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राहक की सुविधा अनुसार हम कई लोगों को एक साथ कॉल पर लेकर भी अपने प्रोडक्ट्स शो कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोग अकेले बाइंग डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं। ऐसे में अगर कॉल पर उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार हो तो खरीदारी के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम होम डिलीवरी या कुरियर के माध्यम से प्रोडक्ट डिलीवरी की सुविधा भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी शॉप को यूट्यूब वीडियोज के माध्यम से या फेसबुक पर पेज बनाकर भी प्रमोट कर सकते हैं। बहुत से लोग अपना सामान अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से खरीदते हैं और बेचते हैं। हम इस चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ हमारा प्रेजेंस होना लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, कोरोना के कारण हमारी इकोनॉमी बहुत डाउन हो गई है। सरकार अपनी तरफ से इसे पटरी पर लाने के लिए बहुत कुछ कर रही है और देश को हमारी बिजनेस कम्युनिटी से भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। दोस्तों, हम में वो ताकत है कि हम भारत की इकोनॉमी रिकवरी में सबसे मजबूत किरदार निभा सकते हैं। इसलिए उठिए और अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए जी जान से जुट जाइए। आज ये सिर्फ आपकी नहीं, पूरे देश की जरूरत है। जय हिंद।